अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की आखिरी खबर हम वीडियो बना रहे हैं लिटरेसी मोबिलाइजर की, पीपीएससी का जो टेस्ट होने वाला है, और इसके लिए इतनी ज़्यादा डिमांड्स आई हैं जितनी पंजाब पर इसकी डिमांड थी। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम इस बच्चे का जो कि उन तमाम बच्चों की तरफ से रहनुमाई करने यहाँ पहुँच गया। और अगर ये यहाँ ना पहुँचता, ईमानदे से कह रहे हैं कि टॉपिक हमने लिखा भी नहीं था और इस पर वीडियो भी नहीं बननी थी, और अवाम ने फिर शिकायत करनी थी कि सर जी आपने हमारे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई। तो पहले इसका नाम पूछते हैं। यस बेटा, आपका नाम? बिशारत मुश्ताक। क्या नाम है आपका? बिशारत मुश्ताक। बिशारत कहाँ से आए हैं? गखर मंडी गुजरांवाला। गुजरांवाला से? तो गुजरांवाला से कितने बजे चले थे बेटा? सर मैं सुबह 5 बजे का निकला हुआ था। जब से यहाँ पहुँचो तो पहली मुलाकात हो रही है? हाँ जी सर, पहली मुलाकात हो रही है। यहाँ का पता तो ना बताना, बाकी सब खैर है। कितने अर्से बाद मुलाकात हो रही है? सर तकरीबन 3-4 माह बाद। 3-4 माह के बाद। सीट कंफर्म आसानी से होगी या मुश्किल? उस दिन आपने स्टेटस लगाया था, देखा तो सीधे कमेंट किया था, और रात टाइम सीट कंफर्म हो गई थी। इसके लिए क्लबिंग करो बेटा। एक बार गुजरात से बड़ी दूर से आया मेरे पास, राइट? और वो तमाम स्टूडेंट जो इस टाइम ये वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट्स कर रहे होंगे, इसके लिए लाजमी दुआ करना, इसकी वजह से लिटरेसी मोबिलाइजर की वीडियो बन रही है, वरना हकीकत में मैं आज भूल गया था ये टॉपिक बनाने का। तो आप उन सब के लिए एक रास्ता बन के आ गए हो। बैठो बेटा, थैंक यू सो मच। क्योंकि इस टेस्ट की ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड है मेरे ख्याल से, इसका टेस्ट की डेट भी आई हुई है 5 मार्च। हाँ, और लड़की लड़के ने मुझे मैसेज करके सेंड किया हुआ है कि सर जी पाँच डेट आ गई है, तो आप कुछ कर दें हमारे लिए, बता दें हमें टेंशन लगी हुई है। और ये पेपर बस पास करना तो जॉब हो जाएगी, है ना? सैलरी कितनी है यहाँ पर? 45 से ऊपर ही है। स्केल कौन सा है? 14। और हाँ, दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, दोनों की बता दो। आपने किया अप्लाई मॉनिटर दोनों में किया हुआ है? तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। और ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी इनके लिए? लिटरेसी मोबिलाइजर कहते किसे हैं? जो लिटरेसी मोबिलाइजर है उसके अकॉर्डिंग जो उसका काम सौंपा जाता है, वो देखता है कि कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल में नहीं आ रहे, एंट्रेंस किस तरह होगी स्कूल की, गेट किधर होगा, क्या क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें लिटरेसी मोबिलाइजर देखता है। और भी बताना चाहेंगे आप? मैंने एक्सपीरियंस के लिए इसमें अप्लाई किया। अच्छा, मेरा जो गोल है वो एसआई के आपका मिशन एसआई वाला ही है ना? ठीक है, बैठ जाओ बेटा, मैं करता हूँ। सबसे पहले जब भी आप किसी पोस्ट में अप्लाई किया करें, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के थ्रू आई है, वो डिपार्टमेंट के अंदर आपकी जॉब क्या होगी और आपका काम क्या होगा, उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है। लिटरेसी मोबिलाइजर के लिए मैं कुछ क्वेश्चन बताने लगा हूँ, पहले बोलो आप लोग लिख लें ताकि सुकून मिल जाए आप लोगों को। एक क्वेश्चन आएगा अमेज़न के मतलब, AMAZON अमेज़न। एक क्वेश्चन आएगा नील, NIL के मतलब, और एक क्वेश्चन आएगा रिवर, RIVER रिवर के मतलब। ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि शोर्टी है, समझ आ रही बात। एक क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें UNO या फिर इसी तरह की किसी भी एब्रीवेशन के बारे में आ सकता है, UNO, RNO, EMF, ठीक है, समझ आई बात? समझिए, इस तरह किसी एब्रीवेशन के बारे में आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आएगा वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3 तो हुई नहीं अभी, अल्लाह ना करे 3 हो, 2 में बहुत नुकसान हो गया था, जंग में फायदा थोड़ी होता है, हमेशा नुकसान ही होता है। जैसे कि क्वेश्चन आया था वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड कब हुई थी, 1939 में, लिख दिया। आगे लास्ट लार्जेस्ट ओशन, OCEAN ओशन के बारे में सवाल आएगा, माउंटेन के बारे में सवाल आएगा, किसके बारे में सवाल आएगा, माउंटेन के बारे में सवाल आएगा, बॉर्डर के बारे में सवाल आएगा, बॉर्डर BORDER बॉर्डर, इसका इन सारे सवालों का आपकी जॉब से कोई लेन देन नहीं है, बस समझ आ रही है? बॉर्डर का कोई है लेन देन, कोई समंदर का लेन देन है, कोई पहाड़ों का लेन देन है, क्या करूँगा यार, मैं तो गवर्नमेंट को कह कह के थक गया हूँ, सही बात है। और मेरे से इतने वादे करते हैं ये लोग, कुछ हद नहीं, जब भी मैं इनके सामने आता हूँ मेरे से प्रॉब्लम, सर अभी आप जाएं अभी ये काम हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कुछ कोई चक्कर नहीं पूछते, बाद में भूल जाते हैं,
बस यूथ यूथ लगे रहते हैं, यूथ के लिए किया कुछ भी नहीं है। मैं तो बड़ी बारी गवर्नमेंट को टीवी चैनल पे आपने देखे होंगे मेरे शोज, जिसमें मैं सर GNN पे, डिस्कवर पाकिस्तान पे, हर जगह मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली कहा है कि यार विदाउट सैलरी मैं 1 मंथ के लिए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दो, मैं पूरा तालीमी निज़ाम सही कर दूंगा। और मैं ही सही कर सकता हूँ क्योंकि मैं, मेरा मकसद पैसा नहीं है, मेरे दिल में लालच नहीं है, मैं ही सही, बाकी कोई भी नहीं सही कर पाएगा। लेकिन उन्हें पता है कि अगर इसे 1 महीने के लिए बना दिया तो फिर एजुकेशन सिस्टम सही हुआ, सब सही हो गया। क्योंकि एजुकेशन की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान जब कफार को कैद कर लिया था सहाबा किराम ने, तो सहाबा किराम आए और आके अर्ज किया है हुज़ूर हुक्म दीजिए इन्हें कौन सी सजा दें, तो फरमाया कि इन्हें कहेंगे 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, हम इन्हें आज़ाद कर देंगे। तो फिर आगे से क्या कहा सहाबा किराम ने, उन्होंने कहा इन्हें तो कुरान आता ही नहीं, इन्हें तो कुरान, अरे ये तो काफिर है, ये तो काफिर है। तो उसने फरमाया कि जो इलम इन्हें आता है वो इलम सिखा दें, ये जो इलम इन्हें आता है, यानी यहूदी थे काफर थे, वो काफराना ही इलम सिखा दें। जो इलम किसी को लोहा बनाना आता है, कुर्सी बनानी आती है, किसी को दरवाजा बनाना आता है, जो उसे इलम आता है ना वो इलम सिखा दे, वो आज़ाद है। 10 मुसलमान बच्चों को हुनर दे दे, तालीम दे दे, इतनी वैल्यू है तालीम की। देखिए यहाँ एजुकेशन को तबाह कर दिया गया। एक क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, CONSTIT कॉन्स्टिट्यूशन का अल्फाज ही सुन के बंदे को समझ आ जाती है। एक क्वेश्चन आना है आपका लीप ईयर, लीप ईयर किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन आपका आना है पॉपुलेशन के बारे में, और एक क्वेश्चन आपका आना है सूरत के बारे में, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, छोटी सूरत कौन सी है। ठीक है सारे, और एक सवाल आना है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ठीक है, उनकी जिंदगी के मुतालिक, और एक सवाल आना है गजवा के मुतालिक, गजवा बदर, गजवा खंदक, किसी भी गजवा के मुतालिक आ सकता है, और एक सवाल आना है मस्जिद के मुतालिक, फर्स्ट मस्जिद कहाँ कौन सी, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, मस्जिद नबी जिसे लाइब्रेरी भी बनाया गया। समझ आ गया बेटा? अब इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है? मैंने कितने आपको सवाल बताए अभी? 30, ठीक है। टोटल पेपर में कितने MCQs आने हैं? 100 में से 30 तो आपके पक्के हो गए, 30 क्या हो गए पक्के, लेकिन 30 पक्के कम होंगे जिस तरह उस भाई ने आपको बताया कि जो टॉपिक दिए हैं इस टॉपिक पे आपने सर्च करना है, और पेपर इसी टॉपिक से आएगा, इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको छोटी दे सकता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर सर्च आप लोगों ने करना है। आज आप लोग कितनी दूर से आए हो, गुजरांवाले से, अटक से, क्वेटा से, कोई लैया से, पति दूर दूर से लड़कियां लड़के आए हैं, तो आप लोगों को आने का मकसद पूरा हो जाए ताकि आपको जॉब मिल जाए, अपने मकसद तक पहुंच जाए आप लोग, राइट। तो आप लोगों ने इसके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को 3-4 हैं, 1973 जो इस टाइम चल रहा है, 1971, 1964 पुराने जो थे वो भी आपने पढ़ने हैं, उसके लिए रीड आउट करने हैं। सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब एक सवाल लाजमी आएगा, मैंने सवाल आपको बता दिया किस टॉपिक के मतलब आएगा, अब उन्हें प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स बनाना आप लोगों ने करना है। लेकिन 5 मार्च से पहले जितने बच्चे मेरी वॉइस नोट सुन रहे हैं, लिटरेसी मोबाइलर वाले, जिस इस बच्चे की वजह से ये वीडियो बन गई, ठीक है, मॉनिटर वाले भी यही सेम क्वेश्चंस करेंगे। और ये बात इंग्लिश के लिए, वो जो मैंने अपोजिशन की वीडियो बनाई है उसे आप लोगों ने इंग्लिश के लिए करना है। आप आ गए थे इंग्लिश के टाइम? नहीं आए थे, आप लेट आए थे, आपसे पहले रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है। इंग्लिश के अंदर से लिखवा लेना नोट्स, ठीक है, वो इसे दे देना, इंग्लिश के वर्ड लिख लेंगे सारे बाद में, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है, और जैसे ही 5 मार्च से पहले टेस्ट करीब आ जाए तो कम से कम 25 फेब को आप लोगों ने मेरे ये वीडियोस, किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट्स करना शुरू हो देना है, सजी लास्ट ट्रिक बता दें, क्या लास्ट ट्रिक, वो लास्ट ट्रिक की वीडियो लास्ट डे रात को ही आनी है, ठीक है, वो रात को ही आती है 10-11 बजे, वो ट्रिक आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। 40 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 10 नंबर इंग्लिश के आ जाएंगे, 50 हो गए, 10 से 15 नंबर मेरे ट्रिक से आ जाएंगे, 70 नंबर अगर आप क्रॉस कर गए तो जॉब पक्की है, फिर आई जगह इंटरव्यू की मैं लहदा इंशाल्लाह तैयारी करवाऊंगा। लेकिन अब मैंने आपको हलवा बना के दे दिया, खाना आपकी मर्जी है कि आप खाएं या ना खाएं, देखते हैं चैनल सरकार भी, दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।